एशियाई खेलों के 72 सालों के इतिहास में भारत ने पहली बार जीते 100 से अधिक पदक। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय खेल मंत्री और मुख्यमंत्री ने सभी विजेता खिलाड़ियों को दी बधाई। जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने दी जानकारी। मिलेट्स पर जीएसटी में की गई कटौती। बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से वित्त मंत्रियों ने लिया हिस्सा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने नई दिल्ली में सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य राज्याभिषेक दिवस के अवसर पर स्मारक डाक टिकट किया जारी। और रोहतक से खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए नियमित ट्रेन को सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। श्रद्धालुओं ने केंद्रीय रेल मंत्री का जताया आभार। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा, अब समाचार विस्तार से। एशियाई खेलों में भारत ने 100 पदक प्राप्त करने के लक्ष्य को शानदार तरीके से हासिल कर लिया है। महिला कबड्डी के फाइनल में भारत ने चीनी ताइपे को हराकर देश के लिए 100वें पदक पर कब्जा करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। भारत 28 स्वर्ण, 35 रजत और 40 कांस्य सहित कुल 103 पदक जीतकर चौथे स्थान पर है। एशियाई खेलों में भारत का अब तक ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इन खेलों के 72 सालों के इतिहास में भारत ने पहली बार ये मुकाम हासिल किया है। चीन में हो रहे एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। महिला कंपाउंड तीरंदाजी में ज्योति सुरेखा वेन्नम ने आज सुबह स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने एशियाई खेलों का रिकॉर्ड बनाते हुए फाइनल मैच में दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी को 149-145 के अंतर से पराजित किया। उसके बाद तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड के फाइनल मैच में अभिषेक वर्मा ने स्वर्ण पदक और ओजस दत्त देवताले ने रजत पदक पर कब्जा किया। कंपाउंड आर्चरी में भारत ने सभी प्रतियोगिताएं जीती हैं। कंपाउंड तीरंदाजी में ही अदिति स्वामी ने सिंगल्स प्रतियोगिता का कांस्य पदक हासिल किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेलों में भारत के 100 पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राष्ट्रपति ने लिखा कि भारत ने एशियाई खेलों में पहली बार 100 पदक जीतकर रचा इतिहास। हमारे खिलाड़ियों ने बहुप्रतीक्षित खेल में भील के पत्थर तक पहुंचने के लिए जबरदस्त समर्पण कौशल और चरित्र दिखाया है। इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए संपूर्ण भारतीय दल को हार्दिक बधाई। राष्ट्र को हर खिलाड़ी पर अत्यंत गर्व है। मैं कामना करती हूं कि आप आगे बढ़ते रहें और भविष्य में भी उच्च स्तर की उपलब्धियाँ हासिल करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि एशियाई खेलों में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। भारत के लोग इस बात से रोमांचित हैं कि हम 100 पदकों की उल्लेखनीय उपलब्धि तक पहुंच गए हैं। मैं अपने एथलीटों को हार्दिक बधाई देता हूँ जिनके प्रयासों से भारत को ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। उनके शानदार प्रदर्शन ने इतिहास रचा है और हमारे दिलों को गर्व से भर दिया है। मैं 10 तारीख को हमारे एशियाई खेलों के दल की मेज़बानी करने और हमारे एथलीटों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी एशियाई खेलों में 100 पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। हुई मेडल्स की बौछार, इस बार 100 पार। आपने वर्तमान और भविष्य के खिलाड़ियों के लिए एक नई प्रेरणा दी है और चीन में जब जब गोल्ड जीता तब तिरंगा शान से लहराया है और 100वां मेडल किसी और गेम में नहीं भारत की कबड्डी टीम ने जिताया है। एशियन गेम्स के 72 साल के इतिहास में इस बार हमारे एथलीट्स ने कई विश्व रिकॉर्ड तोड़े और बहुत सारे एशियन रिकॉर्ड्स बनाए भी। केंद्रीय खेल मंत्री ने भारतीय हॉकी टीम की सराहना करते हुए कहा कि देश में अब खेल के लिए अच्छा माहौल बन रहा है। देखिए, जैसे एक तरफा ही हो और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हमारा मनोबल भविष्य के टूर्नामेंट्स के लिए भी बढ़ा रहा है और ओलंपिक कोटा जीतने के साथ साथ कई खिलाड़ियों ने सुनिश्चित किया है कि अगली बार ओलंपिक्स में भी हम शानदार प्रदर्शन करेंगे। कुछ और मेहनत करनी अगले एक वर्ष के लिए और लगातार अब भारत में वो माहौल बनता जा रहा है खेलों के प्रति।
मुझे आज भी याद है जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 में शुरू किया था और कहते थे हमें सोच बदलनी है, सुविधाएं देनी है, परिणाम अपने आप आएंगे, खेलोगे तो खिलोगे, ये उनका नारा था। आज खिलाड़ी खेल रहे हैं और हिंदुस्तानियों के चेहरे खिल रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी एशियाई खेलों के विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए अपने संदेश में कहा कि एशियन गेम्स में भारत की अभूतपूर्व उपलब्धि, भारतीय एथलीटों द्वारा अद्भुत लगन, विशेष टीम संयोजन और अप्रतिम समर्पण से पहली बार हम एशियन गेम्स में 100 पदकों की उल्लेखनीय उपलब्धि तक पहुंच गए हैं। अपने अविस्मरणीय प्रदर्शन से रिकॉर्ड सफलता दिलाकर भारत को गौरवान्वित करने वाले सभी भारतीय खिलाड़ियों व देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। देश को आप पर गर्व है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आज वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 52वीं बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री तथा केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान वस्तुओं और सेवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि GST एपिलेट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के लिए उम्र सीमा को बढ़ाकर 70 वर्ष किया गया है। इसके अलावा मिलेट्स यानी मोटे अनाज से पर लगने वाले GST में कटौती की गई है। फूड प्रिपरेशंस ऑफ मिलेट फ्लो इन पाउडर फॉर्म कंटेनिंग एटलीस्ट 70% millets by weight. So in powder form, millets being blended with any other atta, for instance, where the millets composition is 70%, we state that they will be having a 0% GST if sold in other than pre-packaged and labeled form, and 5% only if sold pre-packaged and in a labeled form. Anything above 5% doesn't have an impact on the market or on the sentiment or on sending the message. So they were ready to say give it at 5%. मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देव सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य राज्याभिषेक दिवस के अवसर पर स्मारक डाक टिकट जारी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर हैं और ये डाक टिकट उनकी स्मृति बनाए रखने के साथ साथ नई पीढ़ियों को भी प्रेरित करता रहेगा। साथ ही उन्होंने संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के तहत हरियाणा द्वारा लगाई गई इस प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना लोक संपर्क भाषा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल व अन्य गणमान्य भी मौजूद रहे। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में राष्ट्रीय महिला पत्रकारों के साथ संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने महिला पत्रकारों के साथ संवाद करते हुए कहा कि मीडिया क्षेत्र में महिलाओं का अहम योगदान है, जो कि एक अच्छा संकेत है। महिलाएं इस क्षेत्र में बड़ी भूमिकाओं में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया के जरिए समाज में बदलाव लाने में महिलाओं की भागीदारी जरूरी है। रोहतक से राजस्थान के सीकर जिले में स्थित धार्मिक स्थल खाटू श्याम बाबा दर्शन के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। आज सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले मेला स्पेशल ट्रेन ही चलती थी, लेकिन अब नियमित तौर पर ये ट्रेन चलाई जाएगी। रोहतक, झज्जर व रेवाड़ी के श्रद्धालु लंबे समय से इस ट्रेन की मांग कर रहे थे। इस दौरान सांसद ने कहा कि इस ट्रेन के लिए श्रद्धालुओं की काफ़ी लंबे से मांग थी। उन्होंने यह भी कहा कि जयपुर से चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को वाया रोहतक होकर भी चलाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही कुरुक्षेत्र दिल्ली एक्सप्रेस का ठहराव नांगलोई में करवाने के लिए भी प्रयास किया जाएगा। सांसद ने कहा कि देश के 508 रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया जा रहा है, जिसमें रोहतक रेलवे स्टेशन भी शामिल है। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि रोहतक की इस मांग को स्वीकार किया। रोहतक के साथ साथ झज्जर, ये रोहतक झज्जर और बीच में और भी स्टेशन आएंगे, रोहतक झज्जर के बीच में रेवाड़ी होते हुए अटेली, नीम का थाना होते हुए रिंगस जाएगी। हमारे प्रयास है कि वंदे भारत ट्रेन जो है जयपुर से जो चलाई जाएगी वो वाया रोहतक, हमारे पूरे प्रयास है कि एक रोहतक को वंदे भारत भी मिले चंडीगढ़ के लिए। और एक और मांग है,
जो कुरुक्षेत्र दिल्ली एक्सप्रेस जो है उसका नांगलोई में स्टेशन के लिए उसकी बड़ी भारी डिमांड है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको हम फिर बार बार मोदी जी का, रेलवे मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि 508 जो स्टेशन लिए थे उसमें रोहतक का स्टेशन भी है जिसके रेनोवेशन का चल रहा है। उधर खाटू श्याम मंदिर के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं ने स्पेशल ट्रेन शुरू करने पर खुशी जाहिर करते हुए केंद्रीय रेल मंत्री का आभार जताया। साहब प्रेमियों की बहुत समय से प्रयास थी, आज बाबा साहब की कृपा से आज वो प्रयास पूरी हो चुकी है। मैं और पूरे साहब प्रेमी इस बात सभी मिलकर अरविंद शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आने जाने में साहब प्रेमियों को बड़ी तकलीफ होती थी, बस का किराया भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे क्योंकि 1600-1500 में बस रोहतक से जाती है, लेकिन इसका किराया बहुत कम ही रखा गया है। और मैं सभी साम प्रेमियों से यही कहूँगा कि ट्रेन का आनंद लें और बाबा के जगह लगाए, बोले हारे के सहारे की। सभी शाम प्रेमियों के लिए, रोहतक के और रोहतक के आसपास के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा जो काम किया आज अरविंद शर्मा जी ने। सभी शाम प्रेमियों के लिए पहले बस की व्यवस्था की गई थी, बट जो रोज नहीं चलती थी, इस ट्रेन से सभी शाम प्रेमियों को बहुत फायदा मिलेगा, रोज जाएंगे, दर्शन करेंगे, बाबा का गुणगान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने भाषण में लाल किले की प्राचीर से कई घोषणाएं की थी और इन घोषणाओं की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में गरीबों और मध्यम वर्ग के आवास के लिए किफायती ऋण सुनिश्चित करने का उल्लेख किया था। इसके मुताबिक प्रधानमंत्री ने तैयारियों की भी समीक्षा की, साथ ही स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री ने घरों के लिए सौर ऊर्जा को सुनिश्चित करने का उल्लेख किया था। प्रधानमंत्री ने इन योजनाओं को क्रियान्वित करने की तैयारियों की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में वामपंथी उग्रवाद पर अंकुश लगाने में सफलता मिली है और ये लड़ाई अब निर्णायक दौर में पहुंच गई है। कई नई दिल्ली में उन्होंने वामपंथी उग्रवाद पर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। अपने संबोधन में गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित सभी राज्यों के सहयोग से वर्ष 2022-23 में बड़ी सफलताएँ मिली हैं। उन्होंने अगले 2 सालों में वामपंथी उग्रवाद का पूरी तरह से सफाया करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 2019 से ऐसे क्षेत्रों में कमी आ रही है जहां उग्रवादी बच्चे हैं। सीपीएफ के 195 नए शिविर लगाए गए हैं और 44 नए शिविर स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र बल सीपीएफ की वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ तैनाती के साथ ही तर्कसंगत विकास नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकताएँ हैं। उन्होंने वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हुए क्षेत्रों में ये समस्या दोबारा उठ ना पा सके, इसके लिए निरंतर निगरानी बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि भारत फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 में पहुंच गया है। उन्होंने देश में सभी क्षेत्रों में हो रहे चहुमुखी विकास कार्यों की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि भारत विश्व की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो गया है। corrupt systems of the former government led to a situation where Indian economy was on the verge of, you know, the world looked at it like collapsing and they started withdrawing the investments and all. But that was a tough situation, a country like in India with 1.4 billion poor people. And from the fragile 5 economies to the 5th largest economy of the world, this shows that reform, perform and transform, what Prime Minister Modi said, and he has finally delivered. India is the 5th largest economy of the world today. दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद इन दिनों प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में हैं। मामले में संजय सिंह के करीबी विवेक त्यागी भी आज ईडी के सामने पेश हुए। कल संजय सिंह के दूसरे करीबी सर्वेश मिश्रा से ईडी ने करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। ईडी का आरोप है कि शराब घोटाले के आरोपी कारोबारी
दिनेश अरोड़ा ने राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह के आवास पर 2 बार में 2 करोड़ रुपए नकद दिए थे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिल्ली के शौर्य सीआरपीएफ ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट में रैपिड एक्शन फोर्स की 31वीं वर्षगांठ को संबोधित करते हुए कहा कि आरएएफ की ओर से कम बल का प्रयोग करना उनके धैर्य व कुशलता का परिचायक है। सबसे इधर के दिनों में आपका कम बल प्रयोग करना यह साबित करता है कि आप में धैर्य और कुशलता की इतनी क्षमता है कि आपको कम से कम बल प्रयोग करना पड़ा है। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि रैपिड एक्शन फोर्स में कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कानून और व्यवस्था के साथ काम करने की अद्भुत क्षमता है। गृह मंत्रालय ने 2018 में आरएएफ की 5 नई बटालियन के गठन को स्वीकृति दी है। बड़ी कुशलता से राष्ट्रवादी ताकतों को त्वरित गति से नियंत्रित करने में सफलता हासिल कर रही है। आरएएफ की कार्य पद्धति में शांति व्यवस्था कायम करने की अद्भुत क्षमता के कारण अन्य बलों में श्रेष्ठ माना जाता है। वर्तमान परिदृश्य में आरएएफ ने कठिन से कठिन क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को संभाला है। यही कारण है कि गृह मंत्रालय ने 2018 में द्रुत कार्यबल की 10 बटालियनों के अतिरिक्त 5 नई बटालियनों के गठन की स्वीकृति दी है। गृह मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि आप घोटालों की जनक पार्टी है। उन्होंने कहा कि ये पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का नारा देकर सत्ता में आई थी, लेकिन अब पार्टी खुद भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। मीडिया कर्मियों से बातचीत में अनिल विज ने कहा कि अगर किसी पार्टी के बड़े नेता लगातार भ्रष्टाचार के मामलों में जेल जा रहे हैं तो लोगों को सोचना चाहिए कि ये पार्टी किन लक्ष्यों के साथ सत्ता में आई है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के देश में डर का माहौल वाले बयान पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि आप नेता अरविंद केजरीवाल महाघोटाले के जनक हैं। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का नारा देकर सत्ता में आई थी, अकंठ भ्रष्टाचार में डूब गई है। किसी भी पार्टी के बड़े नेता लगातार अगर जेल में जा रहे हैं तो उनको सोच लेना चाहिए कि ये पार्टी क्या गोल्स और क्या टारगेट लेके सत्ता में आई थी। महाघोटालों की बाप पार्टी आपके नेता केजरीवाल जी को पता है उन्होंने क्या क्या घोटाले कर रखे हैं। ऐसा कह के वो यही जता रहे हैं कि अब जो केंद्र में सरकार है वो एक भी घोटालेबाज को छोड़ेगी नहीं। जो जो घोटाले कर रखे हैं खुद ही बता दो क्या क्या कर रखा है। कांग्रेस व अन्य पार्टियों द्वारा अपने राज्यों में जातीय जनगणना की घोषणा करने पर अनिल विज ने कहा कि जातीय जनगणना की वकालत करने वाली पार्टियां बताएं कि उन्होंने सत्ता में रहते हुए इन जातियों के लिए क्या किया। विपक्ष देश को एकजुट करने की बजाय अलग अलग हिस्सों में बांटने का कुत्सित प्रयास कर रहा है। इसकी प्रमाणिकता क्या है? इसका मतलब तो ये हो गया कि सरकार के हाथ में रजिस्टर आ गया, जिसको चाहे वो जिस जाति में डाल दे, कोई प्रमाणिकता नहीं है। और क्या सेंसस में आने के बाद ही लोगों को लाभ मिलेगा? सैकड़ों लोग कह रहे हैं कि हमें आज तक आगे देखा नहीं गया। तो ये सारा चुनावी खेल है। पहले भी हुआ था मंडल आयोग, और इन पार्टियों को जो जो सत्ता में रही हैं और आज जातिगत गणना की पैर भी कर रही हैं, उनको बताना चाहिए कि जितने जितने साल वो सत्ता में रहे उन्होंने इन जातियों के लिए क्या किया। प्रदेश भर में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज करनाल में नेहरू युवा केंद्र संगठन और नगर निगम के वॉलंटियर्स ने अभियान को गति प्रदान करते हुए घर घर जाकर कलश में मिट्टी एकत्रित की और आमजन को अभियान के बारे में जागरूक किया। इस दौरान शहर में कलश यात्रा भी निकाली गई।
यात्रा को रवाना करते हुए नगर निगम की मेयर रेणु बाला ने कहा कि हमारी मिट्टी शहीदों और वीरों की गाथाओं से भरी हुई है। ना जाने कितने ही वीरों ने बिना किसी स्वार्थ के इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। इन्हीं वीर शहीदों की शौर्य गाथा को याद करते हुए ये अभियान चलाया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के नोडल अधिकारी गुरुदेव सिंह ने कहा कि अमृत कलश की मिट्टी का उपयोग हमारे वीर बहादुर शहीदों के सम्मान में दिल्ली में बनने वाली अमृत वाटिका में किया जाएगा। एक भाव कि किस तरह से अपने वार्ड की, अपने देश की मिट्टी को माने प्रधानमंत्री जी एक अमृत वन बनाने जा रहे हैं। उस अमृत वन में हम लगभग 7500 शहरों की मिट्टी को वहां पर पौधे लगाए जाएंगे और जिस तरह से आज हमारे ये 20 वार्डों का पूरा प्रकल्प पूरा हुआ है जिसमें एक अमृत कलश यात्रा शहर में से निकाली जाएगी। इस मिट्टी को स्वतंत्रता सेनानियों के घरों से ली गई मिट्टी के द्वारा उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, जो कि अमृत वाटिका बनाई जाएगी। उस अमृत वाटिका में इस मिट्टी का उपयोग किया जाएगा। इससे एक भाईचारे का संदेश भी जाएगा और देश के स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों के लिए जो दिलों में भाव हैं वो और ज़्यादा उमड़ के आएंगे और ये एहसास होगा कि भाई वो हमारे लिए प्रहरी खड़े हैं, हम उनको सच्ची श्रद्धा ही दे सकते हैं। वहीं अमृत कलश यात्रा में लोगों ने कहा कि ऐसे अभियान से बच्चों का ज्ञानवर्धन होता है और उन्हें वीर शहीदों के बलिदान के बारे में अधिक जानकारी मिलती है। यात्रा निकाली गई है जिसमें मेरे गांव पुंडरक से भी लेडीज आई हुई है। ये एक अच्छा प्रोग्राम है। गांव-गांव से मिट्टी लेके ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है जो हम सबको इसमें जोड़ते हैं। बहुत एकता का प्रतीक है ये, ऐसे कार्य हमेशा होने चाहिए। आज यहाँ पर मेरी माटी मेरा देश के लिए एक अमृत कलश यात्रा निकाली गई है जिसमें करनाल ब्लॉक के हर गांव से मिट्टी मंगाई गई है और उसको एक कलश में डाल के दिल्ली में जो अमृत वाटिका में ले जाया जाएगा जिसकी खुशबू पूरे देश में फैलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 13 अक्टूबर को नई दिल्ली में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय P20 सम्मेलन द्वारका में नवनिर्मित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि में आयोजित किया जाएगा। G20 के अंतर्गत P20 सदस्य देशों के संसदीय अध्यक्षों का एक समूह है और इसका उद्देश्य वैश्विक शासन में संसदीय प्रणाली के आयाम सामने रखना है। G20 शिखर सम्मेलन की ऐतिहासिक सफलता और भव्यता को दुनिया ने देखा और सराहा। अब दिल्ली के द्वारका में IICC यशोभूमि में 13 और 14 अक्टूबर को पार्लियामेंट 20 का आयोजन होने जा रहा है। सम्मेलन का उद्घाटन 13 अक्टूबर को पीएम मोदी करेंगे। इस शिखर सम्मेलन के दौरान कुल 4 सत्रों का आयोजन किया जाएगा। इन सत्रों के दौरान सतत विकास लक्ष्य यानी SDG के लिए एजेंडा 2030, उपलब्धियों का प्रदर्शन, प्रगति में तेजी लाना, सतत ऊर्जा परिवर्तन, हरित भविष्य के प्रवेश द्वार, लैंगिक समानता को मुख्य धारा में लाना, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के नेतृत्व में विकास के साथ सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन विषय पर चर्चा होगी। इन सत्रों में इस बात पर खास तौर पर विचार विमर्श होगा कि G20 सदस्यों और अतिथि देशों की संसद किस प्रकार P20 के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकती है। शिखर सम्मेलन का आयोजन साझा बयान के साथ होगा जिसमें G20 सरकारों में समानता, समावेशिता और शांति के आधार पर प्रमुख वैश्विक चुनौतियों के समाधान का आग्रह किया जाएगा। P20 सम्मेलन के आयोजित करने का उद्देश्य वैश्विक विषयों पर समकालीन चुनौतियों और उसका समाधान लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से संसदें अपनी अपनी संप्रभुता में इस विषयों पर चर्चा करें, सार्थक संवाद करें, नीतियां कानून बनाने में हम किस तरीके से वैश्विक चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत हर दिन लगातार मजबूत हो रहा है और उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए। पुतिन ने पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत विकास में काफ़ी अच्छी प्रगति कर रहा है।
पुतिन ने हाल ही में हुए G20 शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफलता करार दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुई बैठक सफल रही क्योंकि पीएम मोदी ने बैठक में लिए गए सभी फैसलों का राजनीतिकरण नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रसिद्ध कृषि विज्ञानी प्रोफेसर M.S. स्वामीनाथन के असाधारण कार्यों की बदौलत ही भारत आज खाद्यान्न की कमी वाले देश से ऊपर उठकर खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर राष्ट्र बन सका है। अपने ब्लॉग narendramodi.in में उन्होंने स्वामीनाथन को याद करते हुए कहा कि राष्ट्र ने एक ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति को खो दिया है जिनका योगदान हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि 1960 के शुरू में जब भारत में खाद्यान्न के संकट से जूझ रहा था तब स्वामीनाथन की प्रतिबद्धता और दूरदर्शिता से देश में कृषि क्षेत्र में खुशहाली के एक नए सफर का शुरुआत हुआ था। पीएम ने कहा कि विशेषकर गेहूं के क्षेत्र में प्रोफेसर स्वामीनाथन के कार्य से गेहूं उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। प्रोफेसर स्वामीनाथन को इसी उपलब्धि के कारण हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति के 5 दशक बाद अब भारतीय कृषि काफ़ी आधुनिक और प्रगतिशील है, लेकिन प्रोफेसर स्वामीनाथन ने जो आधारशिला रखी थी उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। देश में कृषि क्षेत्र परिवर्तनकारी क्रांति के लिए तैयार है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर CSIR प्राइमा ET11 खेती किसानी में बड़ा बदलाव लाएगा। पर्यावरण के अनुकूल यह ट्रैक्टर भारतीय कृषि क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाला है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। ऐसे में कृषि क्षेत्र इससे कैसे अछूता रह जाता? नवाचार की मिसाल पेश करते हुए CSIR CMERI दुर्गापुर ने कृषि क्षेत्र के लिए देश का पहला कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर CSIR प्राइमा ET11 पेश किया। ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर भविष्य में होने वाली खेती में अहम भूमिका निभाने वाला है। ट्रेडिशनली ट्रैक्टर यूज डीजल, थस कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस। ग्लोबल कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन स्ट्रेटजी नेसेसिटेट्स रैपिड ट्रांजिशन ऑफ दिस सेक्टर टुवर्ड द इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को बनाने में अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया है। इसकी गति से लेकर वजन, लीवर और पैडल की स्थिति जैसे हर पहलू को आधुनिक कृषि क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से डिजाइन किया गया है। किसान पारंपरिक घरेलू चार्जिंग सॉकेट का उपयोग करके 7 से 8 घंटे में ट्रैक्टर को चार्ज कर सकते हैं और खेत में 4 घंटे से अधिक समय तक ट्रैक्टर चला सकते हैं। इस ट्रैक्टर से ढुलाई करना भी आसान है। ट्रैक्टर 1.8 टन क्षमता वाली ट्रॉली को अधिकतम 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से खींच सकता है। Another distinct features of the electric tractor is the V2L port. This means when tractor is not in operations, its battery power can be utilized for other secondary applications like pumping etc. बल्कि ये 500 किलोग्राम की क्षमता उठाने और 1.8 टन क्षमता वाली ट्रॉली को खींचने के साथ अन्य कामों में उपयोगी साबित होने वाला है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधनों को अधिसूचित किया है। यह संशोधन केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियम अधिनियम 1995 के गैर आपराधिक प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए परिचालन तंत्र के बारे में है। मंत्रालय ने कहा है कि इस अधिनियम को और अधिक व्यवसाय हितैषी बनाने तथा इस क्षेत्र में निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के लिए अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट दंड की फिर से जांच की गई और जन विश्वास प्रावधान संशोधन अधिनियम 2023 के माध्यम से इसे अपराध मुक्त कर दिया गया है। कारावास प्रावधानों को अब मौद्रिक दंड और सलाह, चेतावनी तथा निंदा जैसे अन्य गैर मौद्रिक बना दिया गया है। इसमें कहा गया है कि इन उपायों को अधिसूचित नियमों में परिभाषित नामित अधिकारों के माध्यम से लागू किया जाएगा। ऐसे तमाम फैसले ले रही है जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिले। इसी दिशा में एक अन्य कदम के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 में अहम संशोधन किए हैं। इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इन संशोधनों के बाद अब केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 को आपराधिक धाराओं से मुक्त कर दिया गया है। अधिसूचना में बताया गया है कि संशोधन के माध्यम से कठोर दंड का सहारा लिए बिना छोटे और अनपेक्षित उल्लंघनों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ेगी।
सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अभी फैसला लिया है ये स्वागतार्थ है, और ये हमारी पहले से ही डिमांड थी कि कोई भी बिजनेसमैन जब इंडिया में रह के बिजनेस कर रहा है तो ये क्रिमिनलाइजेशन जो एक्ट है सीआरपीसी के अंडर में है वो कोई देशद्रोह का काम तो कर नहीं रहा है, देश में रह के अपना एक बिजनेस कर रहा है, तो उसकी बहुत दिन से डिमांड थी जो आज ये केंद्र सरकार ने उसको मान्यता दी है। समाचारों में आज इतना ही, नमस्कार।